हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन स्मिता सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ड्रिंक की रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है। ये एक स्कॉच की रेसिपी है। फ्रेंड्स, ग्रेप्स बहुत आ गए हैं मार्केट में और ग्रेप्स से ही मैं एक ग्रेप का स्कॉच बनाऊंगी और उस स्कॉच से आप ड्रिंक बना सकते हैं। यह आप जो भी चाहे बना सकते हैं उसका और वो ड्रिंक के रूप में उसे सर्व कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख सकें, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए, स्कॉच बनाने के लिए हमें ब्लैक ग्रेप्स चाहिए, वो भी मैं हाफ के जी ली हूँ और इसे अच्छी तरह से साफ करके और इसे पानी सुखा दी हूँ और इसे निकाल के उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ऐसे भी आप इसे डाल के पका सकते हैं बट उसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे छोटे पीस में काटने से जल्दी ये पक जाता है। तो आप इसे छोटे पीस में काट लीजिए और फिर गैस पे चढ़ा के इसे इस तरह से ही पकने दीजिए। जब ये पक जाएगा तब शुगर डालने से क्या होगा, पहले अगर शुगर डाल देंगे तो इसका पकने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। कोई भी चीज़ शुगर डालने पे उसका पकने का जो प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें पानी भी छोड़ दिया है और इसका ऊपर का जो स्किन है वो भी पक गया है। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और इसको इस फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह से गल गया है और ये देखिए इसका स्किन भी अलग हो गया है और ये पूरी तरह से। अभी मैं एक कप, आपके पास जो भी कप है उससे एक कप शुगर दीजिए या फिर आप 200 ग्राम भी शुगर मेजर करके दे सकते हैं। आज ज़्यादा मीठा अगर आप पसंद करते हैं तो 250 ग्राम भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये शुगर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इसे साल भर रखने के लिए ये इसका हेल्प करेगा। इसका फंगस जो प्रोसेस होता है फंगस वाला, वो फंगस का प्रोसेस नहीं होने देगा। तो इसके लिए हमें पानी को सुखाने के बाद ही इसमें शुगर डालते हैं। और ये देखिए, शुगर डाल के थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। जब चाशनी जैसा एकदम हो जाए और इसमें झाग आने लगता है तब तक इसको और पकाएंगे। देखिए, ये चाशनी गाढ़ा हो गया है और पूरी तरह से ये पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, पूरा एकदम गाढ़ा हो गया और इसे ठंडा होने देंगे। इसे मिक्सी के जार में लेके फाइन पेस्ट बना लेते हैं। इसे पीस के एकदम गाढ़ा पेस्ट जिस तरह होता है ना, उस तरह से बना लेते हैं, क्योंकि इसे गिलास में जब डालेंगे तो मुँह में इसका क्रंच ना लगे। इसके लिए एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से ये पूरा गाढ़ा और ये कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार। इसे साल भर प्रिजर्व रखने के लिए हमें इसमें विनेगर डालेंगे। ये देखिए, मैं एक चम्मच इस पर विनेगर डालूंगी। ये व्हाइट वाला विनेगर जो आता है ना, कुकिंग विनेगर, वो मैं डालती हूँ इसमें। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और पूरे एक साल तक इसे आप रख सकती हैं इसे डालने के बाद स्टोर करके। ये देखिए, एक चम्मच मैं इसमें डाल के मिला लेती हूँ। एक साफ़ और ड्राई बॉटल में डाल के मैं इसे रख ली हूँ। अब एक गिलास में इसे इस जो स्कॉच बनाई हूँ उसे 3 से 4 चम्मच डालती हूँ और इसमें आइस डालती हूँ मैं 3 से 4 क्यूब। और फिर आप पानी डाल दीजिए आधा गिलास, और आधा गिलास में हम सोडा वाटर डालेंगे। ये सोडा वाटर आधा गिलास में भर देंगे। ये देखिए, 1/4 चम्मच मैं इसमें काला नमक भी डाली हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, ये बन के तैयार है, लग रहा है ना एकदम सुंदर सा। तो देखिए, ये ड्रिंक्स तैयार है और ये क्रस भी तैयार है आपका। जब चाहे तब इसे टॉपिंग भी बना सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम बनाए या कोई भी डेजर्ट बनाए तो उसके टॉपिंग भी डाल सकते हैं, और साथ में ये जब भी चाहे आप इसे ड्रिंक बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।